यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, मैं एक बार फिर से आज प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, शाम के बेला में हमको आपने चंगाई और छुटकारा दिया, ब्लेस किया, आनंद और शांति दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और आज विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, आज तू हमारे साथ में रहेगा, आज तू हमारे प्रभु अगुवाई करेगा, उसके धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय मसीह भगवान। आज एक बात अपने मन में आज गांठ बांध के रख लीजिए कि सचमुच में परमेश्वर अगर आपके जीवन और मेरे जीवन में नहीं होता तो आप मेरे प्रिय और मैं खुद आप परमेश्वर के सम्मुख से और परमेश्वर की जो है परमेश्वर के सामर्थ्य के परमेश्वर के जो है अनुग्रह से हम जो है गिर जाते। परमेश्वर हमारे जीवन से जो है हर एक प्रकार के जो है कष्ट दुख मुसीबत दुख और तकलीफ समस्या जो है सब परेशानियों को दूर करता। और मेरे प्रिय महिमा में परमेश्वर आपके जीवन से बोलता और बातचीत करता, और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आज मेरे प्रिय आपके साथ है, आप परमेश्वर आपके निकट में। परमेश्वर अगर नहीं होता तो हम कब के नष्ट हो जाते। तो मेरे प्रिय विश्वास के साथ आज अंगीकार करें कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा छुड़ाने वाला, तू मेरा बचाने वाला, तू मेरा अद्भुत युक्ति करने वाला मेरे प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कैसी भी समस्या, कैसी भी बीमारी प्रभु, कैसी भी चिंता और कैसी भी परेशानियां, ओ हर पर प्रभु जी जो आज मनुष्य को प्रभु सता रहा, परेशान कर रहा है मेरे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी भी परमेश्वर पिता परेशानियां, जितनी भी चिंता और दुख और तकलीफ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज मैं हुक्म देता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। आज होने दीजिए प्रभु की जितनी भी समस्या, जितनी भी मुसीबत दिक्कत परेशानियां है मेरे प्रभु, तेरे नाम से आज प्रभु खंडन होने पाए पिता, और तेरे नाम से आज खेट आउट होने पाए, तेरे नाम से प्रभु जी आज हर एक समस्या हर एक परेशानियां दूर हो जाने पाए प्रभु जी, हर एक बंधन भी टूट जाए, हर एक समस्या भी प्रभु आज तेरे से प्रभु जी मैं हुक्म देता हूँ कि आज निकल जाए प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र 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 अति पवित्र महान महिमा में परमेश्वर पिता मेरे सच्चे और अच्छे प्रभु जी, अगुवाई करने वाला, चंगाई और छुटकारा देने वाला, ओ शांति देने वाला प्रभु जी मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला, चिंताओं को दूर करने वाला, चिंताओं से मुक्त करने वाला, चिंताओं से प्रभु जी हमको निकालने वाला, चिंताओं से परेशानियों से हमको प्रभु आप आजाद करने वाला प्रभु, जिस प्रकार पौलुस को कहा मैं तेरे संग हूँ कहे जा कहा प्रभु जी, ओ जब एथेन नगर में जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो मेरे प्रियो एथेन नगर में जब गया तो उसका जी जल गया, और मेरे प्रियो जब देखा मेरे प्रियो अपने आप को परमेश्वर उसको जो है हिम्मत दिया, उसको कहा मत डर पौलुस मैं तेरे संग हूँ, और इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर, तुझे मैं बचाऊंगा, तुझे मैं सिखाऊंगा, तुझे मैं चलाऊंगा कहता है मेरे प्रियो। आज भी विश्वास करें परमेश्वर आपके साथ में है, विश्वास करें परमेश्वर आपके निकट में है, विश्वास करें परमेश्वर आपकी हुजूरी में है, इसलिए मेरे प्रियो आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, वो जीवित परमेश्वर आपके संग और साथ रहेगा, और मेरे प्रियो आपकी परेशानियों को परमेश्वर दूर कर हटाएगा। अगर आपके साथ परमेश्वर नहीं होता तो आप अभी तक जीवित नहीं रहते मेरे प्रियो, कब के आप नष्ट हो जाते, कब का आप मेरे प्रियो अपने देह से जो है प्राण को छोड़ दिए होते, लेकिन परमेश्वर की महान करुणा है जो आज हम अभी तक जीवित हैं, माँ के गर्भ में रचने से पहले हमको परमेश्वर जो है चित लगाया, और अब वहां से यहां तक अभी तक हम जो अभी आज मेरे प्रियो आप कितने साल को 18 साल 20 साल 25 साल 100 साल मेरे प्रियो 80 90 जितने भी हो आप मेरे प्रियो बचपन से लेकर अभी तक आपको परमेश्वर संभाला, अगर परमेश्वर नहीं होता तो मेरे प्रियो आज आप कब के नष्ट हो जाते। परमेश्वर ही है जो मेरे प्रियो आज आपके शरीर को आपके देह को सुरक्षित संभाल कर रखा है, तो मेरे प्रियो आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहना है, विश्वास के साथ प्रभु की संगति में बने रहना है, प्रभु आज आपके जीवन से बोलेगा और बातचीत करेगा। हालेलुया धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जितनी भी परेशानियां जितनी भी दिक्कत है जो प्रभु आज उनके जीवन में पाया है पाया गया प्रभु जी पिता, आज तेरे नाम से आज मैं हुक्म देता हूं कि सारी परेशानियां खत्म हो जाए, ओ सारी मुसीबत खत्म हो जाए, ओ सारी दिक्कत खत्म हो जाए आज पिता, सारे प्रभु जी चिंता जो प्रभु लोगों की चिंता और परेशानी लाने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को आज मैं तेरे नाम से हुक्म देता हूं कि वो उनके जीवन से छोड़कर चले जाने पाए, उनके जीवन को छोड़कर गेट आउट होने पाए, उनके जीवन से प्रभु जी निकलने पाए मेरे महान परमेश्वर पिता, तू दया कर दया कर दया कर दया कर, यस 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 आज की शाम प्रभु एक एक जन प्रभु जितने भी परमेश्वर पिता समस्या में जितने भी प्रभु दिक्कत में जो चिंता करते हैं कि मेरे मेरे जो बिजनेस का क्या होगा, मेरे जो कर्ज का क्या होगा, मेरे लोन का क्या होगा, जो कई बीमारियों को लेकर कई चिंता करते हैं प्रभु जी, परेशान रहते हैं मेरे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ वो चिंता और वो परेशानियां आज तेरे नाम से प्रभु जी मैं इसी वक्त खंडन करता हूँ मेरे प्रभु, इसी वक्त दूर करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता। हालेलुया आज तू
अपने जीवन से प्रभु जितने भी परमेश्वर पिता अपने जीवन से प्यार करते हैं उनसे प्रभु जी आज एक एक लोग प्रभु जी प्रार्थना योद्धा बन जाए मेरे प्रभु जी। परमेश्वर तुझसे संगति करने वाले हो जाएं, परमेश्वर तुझसे बातचीत करने वाले हो जाएं, परमेश्वर प्रभु जी तुझसे प्रभु अच्छे से रिश्ता रखने वाले हो जाएं मेरे प्रभु। आज तू दया कर हर एक जन के जीवन के प्रभु जीवन से बोल और बातचीत कर, हर एक जन की परेशानियों को दूर कर, हर एक जन मुसीबत दूर कर मेरे प्रभु। आज हर एक परेशानियां हर एक दिक्कत प्रभु तेरे नाम से आज मैं हुक्म देता हूँ कि सारी परेशानियां और दिक्कत आज मैं हुकुम देता हूँ कि सारे परेशानी और सारी दिक्कतों को आज प्रभु आप दूर करेंगे और हमारे आप संग और साथ रहेंगे प्रभु। जैसे माता हमको प्रभु जी संभालता है वैसे प्रभु जी हमको परमेश्वर पिता वैसे आप भी संभालते हैं मेरे प्रभु। सीने से लगाते हैं, गले से लगाते हैं प्रभु, चट्टान पर हमको खड़ा करते हैं, हाथ पकड़ कर हमको चलाते हैं, हाथ पकड़ कर हमको अगुवाई करते हैं मेरे प्रभु। वो प्रभु हमको आप पिता संग और साथ रहते हैं प्रभु, जो हमको हर समय सहायता तेरी ओर से मिलता है प्रभु। हर समय पिता हमको तेरी ओर से ज्ञान और बुद्धि मिलता है मेरे प्रभु। हर समय रोज भोर के तड़के पिता हम एक नई शुरुआत और एक नई जोश और जुनून के साथ प्रभु हम आगे बढ़ते हैं और हमको मिलता है और हम पाते हैं मेरे प्रभु जी। आज तू होने दीजिए कि जितनी भी परेशानियां जितनी भी परमेश्वर पिता रुकावट दिक्कत परेशानियां है प्रभु सारे प्रभु जो आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारे प्रभु जी परेशानियों को चिंता को दूर करेंगे मेरे प्रभु। क्योंकि आज हमारे साथ में है, हमारे निकट में है परमेश्वर और वो कहता है परमेश्वर तू मुझसे प्रार्थना कर बेटा, मैं तुझे प्रार्थना का उत्तर दूंगा, प्रार्थना का प्रतिफल दूंगा। हालेलुया मेरे प्रभु आपको डरना नहीं है मेरे प्रभु, आप हमको हिम्मत देते हैं, आप हमको प्रभु साहस और बल बुद्धि ज्ञान देते हैं प्रभु। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज तेरे नाम से प्रभु आज मैं विश्वास करता हूँ कि सारे परेशानियां सारे दिक्कत और मुसीबत खंडन हो जाए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज हर एक जन की परेशानियां और हर एक जन की दिक्कतों को तू बदल देंगे मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु जी। और पिता सारी परेशानियां प्रभु जो प्रभु तू चाहता है पिता सब प्रभु जी उनके जीवन से दूर हो जाए पिता और वो पवित्र और धर्मी जीवन जीने पाए पिता। और हर एक जन प्रभु आज तेरे मार्ग में चलने पाए और हर एक जन विश्वास के साथ प्रभु तेरे धन्यवाद का बलिदान तुझे चढ़ाने वाले हो जाए पिता। आज तू समझ और बुद्धि दे हर एक जन प्रभु जी जो पिता कई लोग चाहते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा जो है आगे पीछे कोई नहीं है, मैं जो है क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे रहूं, कहां कैसे क्या मैं करूं, आपको जो है समझ में नहीं आ रहा था, आपको जो है बिल्कुल अकेलेपन महसूस हो रहा था, लेकिन आप चिंता ना करें मेरे प्रिय मसीह भाइयों, परेशान मत हो क्योंकि प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपके निकट में है, प्रभु आपके जीवन से बोलेगा और बातचीत करेगा, प्रभु आपके सारे समस्याओं को सारे दिक्कतों को सारे परेशानियों को वो प्रभु परमेश्वर निकाल कर आपको नया जीवन देगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, घबराना नहीं है, वो जीवित परमेश्वर आपके संग और साथ रहेगा, वो जीवित परमेश्वर आपके जीवन से बोलेगा और बातचीत करेगा, वो जीवित परमेश्वर आपकी मेरे प्रभु प्रार्थना को सुनकर वो उत्तर देगा। और मेरे प्रभु जितनी भी परेशानी है जितनी भी दिक्कत है जितनी भी समस्या है आज प्रभु जो है आपके जीवन से दूर करके आपके संग और साथ रहेगा। क्योंकि वचन लिखा है प्रभु मेरा चरवाहा प्रभु मेरा रखवाला मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर जो है हर पल हर समय सोते बैठते लेटते खाते पीते हर समय हमारा परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ रहता है। तो आपको मेरे प्रियो डरना नहीं है, विश्वास के साथ आपको जो है परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ना है। वो प्रभु आपको जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा और आपको संभाल लेगा और आपको मेरे प्रियो आज के शाम के बेला में प्रभु यीशु मसीह सहायता और मदद करेगा, आपके सारी परेशानियों को दूर करके आपको नया जीवन देगा। हालेलुया वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर चंगाई और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको मेरे प्रियो कभी भी निराश और हताश परेशान नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर के डर और भय में जीवन को जीते हुए आपको मेरे प्रियो संपूर्ण मन से संपूर्ण हृदय से आपको मेरे प्रियो बातचीत करना है। वो परमेश्वर आपके सारे परेशानियों को सारी दिक्कतों को दूर करना है। मेरे महान परमेश्वर पिता तू दया कर, तू समझ और बुद्धि दे, ताकत दे, ज्ञान दे मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता जितनी भी परेशानियां जितनी भी दिक्कत है मेरे प्रभु आज तेरे नाम से प्रभु हम विश्वास करता हूं आज दूर हो जाने पाए मेरे प्रभु, आज दूर हो जाने पाए सारी समस्या ओ सारी मुसीबत दूर हो जाए यस 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 हालेलुया प्रभु के नाम से आज मिटने लगे सारी समस्या, प्रभु के नाम से आज छूटने लगे सारी समस्या, प्रभु यीशु के नाम से आज हटने लगे सारी समस्या और परमेश्वर तू आज संग साथ रहेगा।
प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपके निकट में है। जिस प्रकार दानियल के साथ प्रभु रहा, मेरे प्रभु उसको शेरों के मान से बचाया, एलिया के साथ प्रभु रहा, आयुब के साथ प्रभु रहा, मेरे प्रियो यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा, उसी प्रकार आपके साथ रहेगा। वो दानियल का परमेश्वर, वो अब्राहम का परमेश्वर, वो आयुब का परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ भी आपका अगुवाई और मार्गदर्शन करेगा। लेकिन आपको मेरे प्रियो परमेश्वर में साथ प्रसाद विश्वास के साथ बने रहना है। प्रभु आपके साथ में रहेगा, प्रभु आपके जो है आपके सारे जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करके आपको नया जीवन देगा। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे राजा राजा यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, मेरे सच्चे और अच्छे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। आज महान परमेश्वर पिता मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आज मैं हुक्म देता हूँ कि सारे परेशानियां आज दूर किए और सारे मुसीबतों को भी दूर किए, उसके लिए धन्यवाद पिता। और आज के शाम के बेला में सब लोग विश्राम करते हैं, मीठी नींद देते हैं प्रभु, तो हमको मीठी नींद देना प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता हम भोर के तड़के फिर से प्रभु आपके एक नए जोश और जुनून के साथ पिता हम आगे बढ़ने वाले हैं। पिता तू दया करना, तू संभालना, नया जीवन देना प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु प्रभु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।